Hi everyone, welcome to SV Chemistry classes. Today we will study about Wicker process. What is the Wicker process? The addition of molecular oxygen to alkene in the presence of catalyst is called Wicker process. Actually Wicker scientist hai jinhone ye diya tha, isliye unko Wicker process kaha jata hai. Ab kya hota hai, definition to aapko pata chal gaya. Kya hota hai, molecular oxygen ka addition ho jata hai kisi bhi double bond mein. To uske baad kya formation hota hai, ya to aldehyde, maybe aldehyde bhi ho sakta hai और कीटोन भी हो सकता है. तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. इस रिएक्शन को ही कहा जाता है Wicker प्रोसेस. Wicker प्रोसेस में ये कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा. ये पूरा कैटलिटिकल मैकेनिज्म है जो मैंने पहले से लिख रखा है, जो आपको एक्सप्लेन करनी है. स्टार्ट करते हैं रिएक्शन. मैंने क्या कहा था कि Wicker प्रोसेस द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू एल्कीन फॉर्म्ड एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. दिस इज द कैटलिस्ट. नेक्स्ट वैसे ही मैंने बना रखा है, ये भी मैं बताऊंगी और भी बहुत सारे लास्ट तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट जो सीएसई या नेट में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म से जो क्वेश्चन आता है वो भी अभी सॉल्व करेंगे. आप कंटिन्यू कीजिएगा इसको, क्योंकि ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या. तो वो एक एज ए कैटलिस्ट ही एक्ट करता है. यहाँ पर कीटोन बन रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड. अभी देखिए इसमें वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो कैटलिस्ट किसको यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिख दिया है ना, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इसमें से कैटलिस्ट क्या है. तो वही है, क्लियर कर रही हूँ कि एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है टेट्राक्लोरोपैलीडिनेट को. ठीक है, यहाँ पे पैलीडियम जो है वो क्या है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसको यूज़ करते हैं, या फिर पैलीडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है. वहीं को कैटलिस्ट को उनके लिए यूज़ किया जाता है कॉपर का कॉम्प्लेक्सेस. मतलब बोल सकते हैं आप डाइक्लोरोकॉपर को यूज़ किया जाता है. अब ये करता क्या है, इन ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन होता है ना, तो पैलेडियम जो होता है वो एक बार क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करने के बाद वो बिल्कुल डीएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, मतलब अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है. उस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से उसे फिर से कैटलिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है को कैटलिस्ट. अभी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है. रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी एल्कीन लेना है आपको, तो ये जो एल्कीन होता है उसमें फर्स्ट कैटलिस्टिक रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर के प्रेजेंस में जब कैटलिटिक रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड जब फॉर्म हो रहा है, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पे ये जो पीडी है वो क्या है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट ड्यूरिंग रिएक्शन वो क्या हो जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है. तो यहाँ पे वही हुआ, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, साथ ही HCl का फॉर्मेशन होता है. इसी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैलेडियम जो है उसको एक्टिव करने के लिए, अब तो ये डीएक्टिवेटेड हो गए क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है अपने, तो उसको एक्टिवेट करके वापस कैटलिस्ट में कन्वर्ट कर. एक्चुअली कैटलिस्ट होता क्या है, आप अभी से बोलते हो ना, कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, पर सेल्फ अनचेंज, वो अपने आप में तो चेंज नहीं होगा. तो जैसा कैटलिस्ट हमने लिया था लास्ट में, वैसा कैटलिस्ट हमें मिलना तो चाहिए, उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को वापस प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में करने के लिए हम कोएंजाइम का यूज़ करते हैं. अब ये कोएंजाइम जो है वो इसको वापस ऑक्सीडाइज कर देगा और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है. तो ऐसे बेसिकली रिएक्शन होते रहते हैं, ये थ्री स्टेप में कम्प्लीट होती है. फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका, सेकेंड ये, एंड थर्ड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म हुआ जो स्ट्रक्चर है कॉपर क्लोराइड का, वो HCl से रिएक्शन करेगा एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और फिर लास्ट में वो हो जाता है. अब ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, ये तो हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है. तो ओवरऑल रिएक्शन को क्या लिखते हो आप, जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको आप कट करते जाइए, क्योंकि अगर रिएक्शन में दोनों साइड बन रहा है तो ऑब्वियस वो कैंसिल हो जाता है, राइट. तो उसे हमें देखते जाना है. यहाँ से देखिए ये है, तो ये यहाँ पर बन भी तो गया है, जनरेट भी हो गया है. यहाँ पर वाटर पार्टिसिपेट किया, यहाँ से वाटर निकल गया, फिर ये ज़ीरो वाला, ये भी, ये है यहाँ पे, ये भी है, साथ ही आ जाएगा ये ऐसे रिएक्शन में, HCl भी गया, हो गया. तो नेट रिएक्शन बच क्या जाता है मेरे पास, सिंपल कोई एल्कीन है और वो एल्कीन रिएक्शन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एंड फॉर्म एल्डिहाइड. और तो कुछ बचा नहीं, सारे रिएक्शंस के ड्यूरिंग रिएक्शन सारे कैंसिल आउट हो गए. तो ये है आपका नेट रिएक्शन. ये MSc के सिलेबस में भी है, फुल नोट्स लिखने में वाली आता है, अच्छा खासा नंबर्स का आ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अब हम मूव करते हैं किसमें, मैकेनिज्म ऑफ द Wicker प्रोसेस, या इन कैटलिस्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे कैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड्स होते हैं. तो स्टार्ट कर रही हूँ.
फर्स्ट थिंग, सबसे पहले इस कैटलिस्ट के बारे में देखिए। आप सबसे पहले तो काम करो कि इस कैटलिस्ट का इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। ऑर्गेनोमेट्रिक में आपने बहुत किया है तो ये आपको आ जाएगा। मैकेनिज्म में पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अभी मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ आपके डिमांड्स पे ही बना रही हूँ। आपने कहा था, कमेंट किया था कि कैटलिस्ट पे बनाइए करके। ये सारे हाई लेवल्स के टॉपिक होते हैं, हर कोई इसे नहीं पढ़ाता है, ठीक है। सीएसआईआर नेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं, वो भी सीधे 4 मार्क्स में आता है। तो अगर आपको ऐसे हाई लेवल्स के क्वेश्चन चाहिए या सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन मैं बनाती रहूँ, टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाती रहूँ, तो उसके लिए आपको अपने व्यूज़ भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आपसे पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरा मन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं देखी हूँ कि लास्ट वीडियोज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कमेंट नहीं, कोई व्यूवर्स भी नहीं, तो वैसे में फिर मैं कैसे बनाती रहूँगी। आप जो भी देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। जितना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा ना, आप जो भी टॉपिक्स बोलोगे, मुझे जैसा भी डिमांड करोगे इस टॉपिक पे बना करके, मैं उसमें बिल्कुल ट्राई करूँगी बनाने का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें देखनी है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। फर्स्ट में यही जो कैटलिस्ट है वो एल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, अपने एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिमूव करके। मतलब सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का होता है, मतलब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है और एल्कीन आके इसके साथ एडिशन होगा। इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड के थ्रू एडिशन कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। या फिर नेगेटिव चार्ज को उसके हिसाब से आप बैलेंस करते जाइएगा। उसके बाद होता है, अब मैंने कहा था ये प्रोसेस किस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में। अब वाटर ले लीजिए आप, वाटर भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव साइड पे जाके अटैक करेगा। तो फर्स्ट ये अटैक करता है इस पर, जैसे ही ये इस पर अटैक करता है, अब कार्बन 5 बॉन्ड्स तो बना नहीं सकता, इसलिए क्या होता है ये बॉन्ड इधर स्विच करता है और ये यहाँ से मेटल पर अटैक करता है। मेटल पर जैसे ये यहाँ से अटैक करेगा तो फिर फॉर्म हो जाता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, आप देख रहे हैं कि ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन तो ज़्यादा फेवर्स क्या होता है, कोई भी मेटल एटम जो होते हैं, ट्रांसमेटल एटम, वो क्या करता है बीटा हाइड्रोजन ईजिली ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अभी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को तो लेना ईजी नहीं, तो ये बीटा हाइड्रोजन को अपने साइड पर लेता है और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन होगी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। साथ ही अब क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये 1 Cl जो है वो रिमूव कर देता है। और टोटल जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ठीक है, H, और ये से फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए थोड़ा सा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने स्पेस को वेकेंट करके, अपने स्पेस को वेकेंट करेगा और माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करके वो यहाँ पे इस बॉन्ड पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इंसर्शन हमेशा जो अनसैचुरेटेड टाइप का कंपाउंड है उसी का ही होता है, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, या मैं बोल सकती हूँ कि इसका इंसर्शन हो जाएगा एंड वेकेंट साइड क्रिएट हो जाता है। जैसे ही ये इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करते ही वैकेंट साइड क्रिएट होगा, उस वैकेंट साइड को फुलफिल करने के लिए एक नया क्लोरीन जो है वो आ जाता है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये तो इस टाइप से अरेंज हुआ कि ये माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ। माइग्रेटरी इंसर्शन आप लोगों को पहले भी बता चुके हो ना, वहीं से आप देखिए, बार बार माइग्रेशन होता है, साथ ही इंसर्शन होता है। और किस टाइप का माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, देखो आगे का स्ट्रक्चर देखो तो समझ आ जाएगा। जिससे हाइड्रोजन से जाके जुड़ रहा है, जो कार्बन हाइड्रोजन से जाके जुड़ रहा है, उसका दूसरा नंबर का जो कार्बन है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन हो गया है सेकेंड, तो सेकेंड नंबर का कार्बन जो है वो पीडी से जुड़ रहा है। तो ये जो माइग्रेशन है वो बोल सकती हूँ 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये जो कार्बन है वो ऐसे हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन जाके मेटल से अटैच हो रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होने के बाद माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, और माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ये फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से देखिए, फिर से ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। अभी क्या हो जाएगा, ये OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इस पर शिफ्ट करेगा, और जैसे ये इस पर शिफ्ट करेगा, ये मूव करके यहाँ से अटैक करेगा। और आपका मेन जो स्ट्रक्चर जो हमें मेनली चाहिए था, क्या, एल्डिहाइड, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारे पास क्या बच जाता है, सिंपल ये हाइड्रोजन से अटैक करके बना लिया है ना मेटल। अब यहीं से ये हाइड्रोजन
डिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, और थ्रू एलिमिनेशन यहाँ से HCl निकल जाएगा, साथ ही ये भी। अब मैंने कहा था ड्यूरिंग रिएक्शन, एक बार ऐसा वो आता है जब रिएक्शंस के समय जो हमारा कैटलिस्ट है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो किस में चला जाता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। यहाँ से देखिए जो पैलेडियम है वो कहाँ आ गया, अभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अभी बिल्कुल डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब इसी डीएक्टिवेटेड फॉर्म का मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखाया था कि फिर अब क्या होगा, ये जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म है मेरा PD0 वो किससे रिएक्शन करेगा, को कैटलिस्ट से। ये पेपर में आया है इसलिए आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि इसमें कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कौन कर रहा है और को कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट के जैसा ही बिहेव कर रहा था, ये वाला कॉम्प्लेक्सेस है, अभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, CuCl2 जो उसको एक्टिव करने का काम करेगा। ये 2 आता है फिर उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है और वापस से बना लेता है क्या, CuCl2 CuCl। ये रिएक्शन पहले भी मैंने आपको बताया है, तो फिर से एक्टिव फॉर्म में जाएगा और एक्टिव फॉर्म में जाने के बाद वापस कैटलिस्ट जैसा हमने यूज़ किया था वैसा हमको मिल जाता है। तो ये था आपका वेकर प्रोसेस, और वेकर प्रोसेस में पहले तो बेसिक रिएक्शंस फिर मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन आते हैं बड़ा बड़ा सा, तो देखने में बहुत बड़ा होता है, लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट नॉलेज में है और उससे बनने वाला प्रोडक्ट मैंने पहले बताया था ना, नॉर्मल एल्कीन से ही क्या बन जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन, दो ही चीज़ बनेगा। तो दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट रिएक्शंस में करा सकते हैं, तो वो अभी देखते हैं। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि इस रिएक्शंस में कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है, साथ ही एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो कब कीटोन का फॉर्मेशन होगा और किस टाइम पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली ये होता है कि इफ़ ऑक्सीडेंट इज अ प्रेजेंट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट है, इफ ऑक्सीडेंट आर प्रेजेंट, अगर ऑक्सीडेंट है तो बनेगा कीटोन। सेकंड, इफ ऑक्सीडेंट आर एब्सेंट देन फॉर्म्ड एल्डिहाइड। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको कीटोन बनाना है, कब एल्डिहाइड बनाना है। इसके साथ ही ना एक और है कि जो वेकर प्रोसेसेस में कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, इसलिए इस रिएक्शंस को कहा जाता है इको फ्रेंडली रिएक्शन। अभी देखिए बनाते जाइए आप, जैसे आपको पता चल गया अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडेंट में ये दे दिया है आपको अगर, या फिर बेंजोक्विनोन दे दिया है, ये दोनों ऑक्सीडेंट है, ये अगर दिया है आपको रिएक्शंस में तो कीटोन का ही फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ओनली ये दे दिया है रिएक्शन में, डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है। तो यही है, मैं अभी वही बोल रही हूँ जो मैंने बोला उसी को, कि ये दोनों टाइप का रिएक्शन फॉर्म कर सकता है, एक बार इसमें एल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है और एक बार कीटोन भी फॉर्म हो सकता है, कीटोन भी बन सकता है यहाँ पे हो जाए, या फिर और क्या बन सकता है इसमें, एल्डिहाइड बन सकता है। हो सकता है ऐसा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया है ना कि कब आपको कीटोन बनाना है, कब एल्डिहाइड बनाना है, तो आपसे रिएक्शन बन जाएगा। सबसे पहले देखनी है कि हमारे पास सब्स्ट्रेट क्या है, सब्स्ट्रेक्शन में दिख गया आपको कि कोई एल्कीन मॉलिक्यूल तो है यहाँ पे, साथ ही आपको दिख रहा है यहाँ से कि कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया गया है, वेकर प्रोसेस, ये दोनों से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा इन वाटर कि ये क्या है, वेकर प्रोसेस है। अब आपको चेक करनी है कि क्या ऑक्सीडेंट है हमारी रिएक्शन में, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या किया है उसने, ऑक्सीडेंट बना के दिया है, मतलब दिया है उसने, प्रेजेंट है, तो क्या बना लोगे आप, कीटोन। तो बस बना दीजिए कीटोन, कीटोन कैसे फॉर्म हो जाएगा इन दिस रिएक्शन, दिख रहा है आपको रिएक्शन क्लियर है, कीटोन का ही फॉर्मेशन होगा। अब ये सब जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स ऑर्गेनिक कैसे बना वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी इनमें ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पे टाइम वेस्ट नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है कि हाँ कीटोन बनेगा, बना दो। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो दिया है उसको चेक करिए, यहाँ क्या है, कैटलिस्ट है, को कैटलिस्ट है, वाटर है, लेकिन कोई ऑक्सीडेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेंट एब्सेंट है। अगर ऑक्सीडेंट एब्सेंट है तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर कीटोन, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड। देन सॉल्व कीजिए, फॉर्म करो,
बन गया, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। वैसे ही ये रिएक्शन मैंने दे रखा है, ये आपको ट्राई करना है, बिल्कुल बेसिक सा रिएक्शन है। एक बार मैंने ऑक्सीडेंट लिया है, एक बार नहीं लिया, कब कीटोन बनेगा कब वो बनेगा वो आप पहले बनाएंगे, बना के चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पे ए प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनेगा, तो ए क्या है और बी क्या है जैसे आपने समझा उसके हिसाब से वो बन जाएंगे। तो वो आप मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आप मैकेनिज्म भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो ये हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है जो करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे बड़े बड़े से स्ट्रक्चर दे देते हैं ऐसे ऐसे, या नेट में देखा है मैंने कभी कोई क्वेश्चन सर इतना बड़ा सा दे देता है कि देख के थोड़ा सा लगने लगता है वो हमसे बनेगा नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है। जैसे इस वाले रिएक्शंस को देखो, इसने ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। अब हमें सबसे पहले तो जज करना है, क्या देखना है कि ये कैटलिस्ट ही है, वेकर प्रोसेस ही होगा, ऑब्वियस दिख रहा है। साथ ही हमें क्या दे दिया उसने, ऑक्सीडेंट दे दिया, मतलब इसमें ऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब कीटोन बनाने के लिए सबसे अच्छा साइट क्या होता है, टर्मिनल साइट। टर्मिनल साइट में कीटोन ईजिली बन सकता है, तो इसमें ढूंढ लीजिए कि टर्मिनल साइट कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस इज अ टर्मिनल साइट। तो और अब कुछ नहीं करना है, तब जज हो गया कि ये वेकर प्रोसेस है, साथ ही टर्मिनल साइट आपने जज कर लिया, तो प्रोडक्ट ईजिली बना सकते हो, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा रख देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये सब स्टीरियो स्टीरियोस लगा के दिया है, कुछ है नहीं, टर्सरी ब्यूटिल, कोई बल्कि ग्रुप लगा के दे दिया उसने। अच्छा, बल्कि ग्रुप लगाने का भी रीज़न ये होता है कि बल्कि ग्रुप साइड पे जल्दी अटैक नहीं होता है, थोड़ा लेस इंडेक्स साइड पे अटैक करता है। तो कभी अगर दो साइड में कन्फ्यूज़न हो आपको कि किधर अटैक कराना है, तो आप लेस इंडेक्स साइड पे ही बनाइएगा प्रोडक्ट को। ये हो गया यहाँ से, अब यहाँ पे बन जाएगा आपका कीटोन। तो ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए। सिक्स नंबर के क्वेश्चन में बस देखना है, यहाँ पे वेकर प्रोसेस है, वेकर प्रोसेस के साथ ही अब ऑक्सीडेंट एब्सेंट है। ऑक्सीडेंट एब्सेंट है तो फिर क्या बनाना होता है, बस वो ब्रेन में रखिए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाना है तो फिर बना दीजिए एल्डिहाइड। ये हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर जो दिया है इसने, और यहाँ से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन। तो ये क्लियर हो जाता है। अरे एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जो थोड़ा सा आपको स्टेप स्टेप, वैसे भी ऑर्गेनिक में क्या होता है, वन स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट होते नहीं है, तो कभी कभी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन दे देता है, लेकिन कोई बीच में भी ऐसे डाल के रिएक्शंस को देता है। तो इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि ये कैसे बनेगा। इसमें ओनली कैटलिस्ट का ही इन्वॉल्वेशन नहीं है, कैटलिस्ट तो है ही, पर साथ में थोड़ा सा कुछ और भी है। चलिए उस रिएक्शन को करते हैं, यहाँ पर करा दे रही हूँ मैं इसको। ये फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, यहीं से लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट बनना है उसमें क्या हो रहा है, एडीए का रिएक्शन हो रहा है। एडीए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करेगा वो, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा फर्स्ट। उसी उस एडीए का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। अब एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे है और यहाँ पे है, यही तो है सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो ऐसे क्योंकि ये इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास में है ना, वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबलाइज कर लेगा ये। तो फर्स्ट तो हो गया आपका, एसिडिक प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया। अब स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये तो हो गया आपका ए, ए प्रोडक्ट। अच्छा ये नहीं है, अभी इससे रिएक्शन करानी है मुझे। अब आगे क्या हो रहा है, आगे दे दिया है आपको कुछ ऐसा, तो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स देखना चाहिए। मेरे पास सब्सट्रेट है, रिएक्टेंट है, दोनों है मेरे पास, हो क्या रहा है। तो पहले क्या करते हैं, मे बी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। लिविंग ग्रुप तो दिख ही रहा है आपको, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना, ब्रोमीन तो दिख रहा है। फिर जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये रिमूव हो जाएगा। अब आगे की प्रोसेस में जो बनेगा वो है, ना हो गया डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे यहाँ से ये वाला कार्बन पे अटैच कर, अटैक हो रहा है वहाँ पे, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन काउंट कर लिया कीजिए आप, जैसे वन कार्बन है, टू कार्बन एंड थ्री, वैसे ही वन कार्बन टू एंड थ्री, ये इतना फॉर्मेशन हो गया।
अब सेकेंड स्टेप में ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ए जो यहाँ पे पूछा गया है। फिर सेकेंड स्टेप आपको दिख रहा है, सेकेंड स्टेप क्या है, वेकर प्रोसेस का स्टेप है, वेकर प्रोसेस और साथ ही ऑक्सीडेंट भी लगा के दिया है, तो कीटोन का फॉर्मेशन करना है। कीटोन का फॉर्मेशन करना है तो कोई भी टर्मिनल साइट को देखो आप। अब टर्मिनल साइट में दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ सीधा वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में टर्मिनल साइट देखा, साथ ही ऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीडेंट प्रेजेंट है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ ही हो जाएगा डबल बॉन्ड CH3CH2। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट बी। अब उसके बाद इसने क्या किया, NaOH। अब ये भी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर ही है, तो इसके बाद फिर रिएक्शन कैसे होगा इसको थोड़ा सा ना अरेंज करके लिख लो आप, अरेंज करके लिख लीजिए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, इसी से है ना CH3 है टोटल। अब आपस में ये वाटर फॉर्म करेगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार ना क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो देख लेती हूँ। क्लियर है, ऐसे ही होगा, फिर यहाँ से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया आपका सी प्रोडक्ट। तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड बना देते हैं, मतलब बीच में वो इन्वॉल्व कर देगा कोई कैटलिटिक रिएक्शंस को, बाकी आपके ऑर्गेनिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे आप करते हो रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद भी बहुत सारे कैटलिटिक रिएक्शंस बचे हैं, साथ ही कंप्लीट रिएक्शन बचे हैं, उनके वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा, ठीक है। पर तब आएगा जब व्यूज़ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेगा उतना फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोज़ डालूंगी।